जी तो जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त हम लोग आउटडोर यूनिट पर हैं, ये VRF सिस्टम है हमारा, और ये इस वक्त मास्टर यूनिट पर हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोगों ने ये अगर आप देखेंगे ABC, ये स्लीव वन और स्लीव टू यूनिट जो है उसकी कम्युनिकेशन है, मास्टर स्लीव वन स्लीव टू। मास्टर के अंदर हमने ABC लगाया है, उसके बाद मैं दूसरे यूनिट की तरफ करूँ तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा स्लीव वन है और इसके पीछे ही स्लीव टू यूनिट है हमारा। तो हमारा जो कम्युनिकेशन वायर है यहाँ से ABC इसके अंदर कनेक्ट है। उसके अलावा इस वक्त हम यहाँ पर जो इंडोर्स यूनिट है उनका, ये हमारा प्रोटोकॉल जो है इंडोर यूनिट्स का, इस हायर यूनिट के अंदर इसको जो नाम दिया गया वो PQ का दिया गया है, वो हम यहाँ पर PQ में लगाएंगे। ये PQ नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा अगर LED के ऊपर देखेंगे तो ये 26.0 का एरर दे रहा है। जो इसकी एरर की वजह ये है कि क्योंकि इसमें इस वक्त अभी तक जो इंडोर की कम्युनिकेशन वायर है वो कनेक्ट नहीं हुई, उसको कनेक्ट करेंगे। और इससे पहले जो हमने प्रोसीजर किया था वो इस पूरे सिस्टम को वैक्यूम किया था। इस सिस्टम के अंदर 14 इंडोर हैं और 3 आउटडोर हैं इसमें, मास्टर स्लीव वन स्लीव टू, और इसके अलावा 14 इंडोर हैं। जो मैंने आपको ग्रे कलर का शील्डेड वायर था ये मैंने आपको दिखाया, ये हमारा इंडोर प्रोटोकॉल यूनिट्स जो प्रोटोकॉल होता है उसका कम्युनिकेशन वायर होता है वो होता है वो है ये। और इसके अलावा एक चीज़ बता दूं कि अक्सर औकात कुछ लोग नॉर्मल वायर डाल देते हैं जो कि वर्किंग नहीं करता, तो कम्युनिकेशन वायर हमेशा शील्डेड वायर ही डाला जाता है। तो इस वक्त हम इस शील्डेड वायर को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसका जो प्रोटोकॉल है और जो 14 इंडोर हैं वो किस तरीके से रीड करेंगे और उनको किस तरीके से लॉक करेंगे, उसके अलावा जो आउटडोर यूनिट्स हैं मास्टर स्लीव वन स्लीव टू उसको किस तरीके से हम लोग रीड करके लॉक करेंगे, उसके बाद इस सिस्टम को रन करेंगे। तो जब तक ये कनेक्शन हो जाते हैं उसके बाद फिर मैं वीडियो वहीं से दोबारा शुरू करता हूँ। जी तो जैसा कि आपको वीडियो में आपको 26 का एरर नज़र आया था, तो ये इस वक्त देखें 26 है, इंडोर कम्युनिकेशन फेलियर आ रहा है ये। और ये फेलियर क्यों आ रहा था तो वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन वायर हमने नहीं लगाई हुई थी। तो सिंपली इस वीडियो में ये पॉइंट भी बताना मैंने समझा कि लाजमी कि आपको इस चीज़ के भी बता दूं, तो इसी की शीट के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। जी तो जैसा कि हमने PQ जो इंडोर की कम्युनिकेशन वायर है या आउटडोर पर कनेक्ट कर दी है, उसके बाद इस सिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि पहले एक एरर दिया जा रहा था 26 का नज़र आ रहा था उसमें, और अब ये 3 उसके बाद 12 का साइन दे रहा है। ये 3 का मतलब है कि जो इसके 3 आउटडोर हैं मास्टर स्लीव वन स्लीव टू इनको इसने रीड किया है, और 12 यूनिट है, जबकि मैंने आपको वीडियो में 14 यूनिट बताया था। 2 यूनिट हमने खुद क्लोज किए हैं 14 में से, और 12 यूनिट्स के ऊपर इसको हम रीड करवा रहे हैं। तो इस वक्त इसने 3 आउटडोर और 14 इंडोर रीड कर लिए हैं। उसके बाद हर VRF की अपनी एक सेटिंग होती है, ये हायर का यूनिट है तो यहाँ पर हमारे पास BM1 डीप स्विचिंग है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले डीप स्विच 1 को उठाएंगे। तो इसने ये जो 3 आउटडोर थे जो रीड किए थे इसने वो लॉक कर लिए हैं, वो रीड करके इसमें स्टोर हो गए। अब इसके बाद हम ये इंडोर यूनिट हैं उनको लॉक करेंगे, और ये इस वक्त इंडोर यूनिट्स भी लॉक हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर LED पे 00 यानी कि सिंपली 0 लिखा हुआ आ रहा है। इट्स मीन के जितना भी प्रोटोकॉल था और जितनी भी कम्युनिकेशन की सेटिंग थी, उसके बाद जो इसके अंदर रीड करना था वो सारी चीज़ें इसने प्रॉपर तरीके से रीड कर ली और लॉक कर ली हैं। अब ये 0 पे है, 0 मीन्स के अब ये स्टोर होने के बाद यूनिट स्टार्टिंग की तरफ जा रहा है। तकरीबन इसमें 2 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि प्री हीटिंग पे भी होता है यूनिट बाजुकात, तो ये 3 से 4 मिनट बाद ये यूनिट ऑन होगा। तो उस वक्त जब ये यूनिट ऑन होगा तो मैं वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करूँगा। सिंपली एक छोटी सी वीडियो बनाई थी VRF सिस्टम को रीड करने की और उसको कमीशन करने की, तो उसके प्रोटोकॉल्स और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको किस तरीके से यहाँ पर रीड करवा के लॉक किया जाता है, तो वो चीज़ बतानी थी। वैसे तो इस सिस्टम के अंदर काफ़ी बड़ी वीडियो बन सकती है कि किस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन है और किस तरीके से इसकी टेस्टिंग कमीशनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। सिंपली इस वक्त कमीशनिंग मेथड के ऊपर बनाया था, नॉर्मली जो इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन है और उसकी पूरी कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से हमने की है वो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो जब तक ये यूनिट ऑन होगा तब तक मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, यहाँ पर पॉज कर देता हूँ, उसके बाद मैं
वहीं से यूनिट अपना वीडियो रेडी दोबारा से बनाऊंगा, यूनिट चलते हुए दिखाऊंगा आपको जी। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि इस यूनिट को स्टार्ट होने में 3 से 4 मिनट लगेंगे, और ये इस वक्त यूनिट स्टार्ट हो गया है। अभी कंप्रेसर्स उठे हैं और जाहिर सी बात है इन्वर्टर हैं ये सारे यूनिट, और इसका साउंड और ये सारी जो नॉइजेज हैं आप इस वीडियो में सुन रहे होंगे। अगर मैं इसके कंडेंसिंग फैन की वीडियो दूँ आपको जी, तो इस वक्त ये यूनिट चल रहा है। ये इसका मास्टर था और ये इसका स्लेव वन है। इस वक्त ये भी चल रहा है बेहतरीन, और इसका ये स्लेव टू है। ये सिस्टम चल गया, ये लूप है। आज की वीडियो में ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसकी कम्युनिकेशन वायर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से इसको रीड करके लॉक करते हैं। हर यूनिट्स के अंदर यही सेटिंग होती है डीप स्विचेस की। अच्छा, ये सर्किट है काफ़ी बड़ा क्योंकि इसके अंदर 14 इंडोर्स हैं, तो यकीनन हमें इसमें गैस भी बैलेंस करना होगी। तो मैं आपको गैस की तरफ ले जाता हूँ। उसी यूनिट में, मास्टर यूनिट में, हमने इसका जो R410 गैस है इसकी, वो चार्जिंग करेंगे, बैलेंस करेंगे, यानी कि टॉप अप करेंगे जी। तो जैसा कि ये आप गेज देख सकते हैं, रेफ्रिजरेंट चार्ज इसमें करेंगे। ये 40 का प्रेशर चल रहा है, 40 PSI। ये थोड़ी देर बाद और मज़ीद बढ़ेगा, तकरीबन हम 2 से 4 मिनट इसको देखेंगे, उसके बाद इसकी रेफ्रिजरेंट हम इसमें टॉप अप करेंगे। ये R410 का जग भी है, यूनिट इस वक्त बेहतरीन कंडीशन में है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।